स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने झारखंड बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक राम मंदिर के उद्घाटन यानी 22 जनवरी के करीब 10 दिन पहले 11-12 जनवरी को संभावित है। दो दिनों के सीईओ निर्वाचन पदाधिकारी कॉन्फ्रेंस से संकेत साफ है कि इसमें तैयारियों की समीक्षा के साथ संभावित तारीखों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद आयोग की टीम झारखंड बिहार सहित अन्य राज्यों का दौरा करेगी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फरवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर सकती है। झारखंड बिहार में चुनाव को लेकर चल रही तैयारियां बता रही हैं कि 2019 की तुलना में इस बार थोड़ा पहले चुनाव की घोषणा हो सकती है। उम्मीद है कि इस बार फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर 10 मार्च के पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2019 में 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी। होली का पर्व मार्च के अंतिम सप्ताह में है और इसको ध्यान में रखकर तारीखें तय होंगी। सूत्रों की माने तो इस बार अप्रैल में ही चुनाव के 3 चरण होंगे। 2019 में झारखंड बिहार में 4 और देश में 7 चरण में वोट पड़े थे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक बुलाई गई है। झारखंड बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज का सीधे रुख करेंगे। नीरज, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कह सकते हैं कि अब तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, इसे हम कह सकते हैं नीरज की अभी से तैयारियां एकदम अब शुरू हो गई हैं। देखिए, 11 और 12 जनवरी को संभावित तारीख बताया जा रहा है जहां जो है ये बैठक होनी है और देश के सभी राज्यों के जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है और ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले की बैठक इसे माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये उम्मीद जताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में जो है पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। और अगर हम बात कर ले झारखंड और बिहार की तो इससे पहले जो है झारखंड में 3-4 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार उम्मीद लगाया जा रहा है कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। हालांकि अगर देश भर की बात कर ले तो 7 चरणों में जो है चुनाव संपन्न कराए गए थे, तो इस बार ये उम्मीद जताया जा रहा है कि 3 चरणों में जो है चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और अप्रैल में जो है वो चुनाव हो सकता है और संभवतः फरवरी में तारीखों की घोषणा भी हो जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम तैयारियाँ किस तरह से जो किया जाए चुनाव को लेकर, इसको कहीं ना कहीं ये पूरी बैठक रखी जाएगी, किस तरह से जो है इसको अंतिम रूप दिया जाए और कब घोषणा किया जाए और जो राज्य के जितने भी निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्होंने राज्य में अपनी ओर से क्या कुछ तैयारी की है, उन्होंने अपनी ओर से क्या पूरे अगर जिले भर की बात कर ले उनकी ओर से क्या कुछ तैयारी है, वो आगे किस तरह से देखते हैं कि कौन सा डेट जो है सुटेबल होगा जहाँ उनके राज्य में जो है चुनाव हो सके। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस बैठक में रखी जाएंगी और ये भी बात होगी कि कितने चरणों में जो है चुनाव संपन्न कराया जाना चाहिए और कितनी जो है जो अगर बात कर ली जाए फोर्सेस की तैनाती हो या फिर कुछ और जो तमाम जो चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है, वो तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। नवीन, बिल्कुल, चुनावों के दृष्टिकोण से बेहद अहम बैठक है और आपने उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जिस पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तारीखें क्या होंगी, कितने चरण में चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। नीरज, अगर हम चुनावों की बात करें तो झारखंड में भी चुनावी सुगबुगाहट दिख रही है और गांडे विधानसभा से जब इस्तीफा सामने आया है विधायक का, उसके बाद से चुनावों को लेकर लगातार बात हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, गांडे विधानसभा जब से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है इसको लेकर भी जो है काफ़ी चर्चा हो रही है कि संभवतः गांडे विधानसभा में उपचुनाव हो जाए और जिसको लेकर जो सत्ताधारी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की थी, एक ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन सौंपते हुए जल्द ही उपचुनाव करवाने की मांग की थी। और देखिए, सुगबुगाहट इससे पहले शुरू हो गई है क्योंकि उपचुनाव है, उससे पहले अगर बात कर ली जाए तो मार्च अप्रैल में जिस तरह से हमने बात की कि जल्द ही लोकसभा चुनाव हो सकते हैं क्योंकि जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है, ऐसे में कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो है लोकसभा चुनाव जो है संपन्न करा लिए जाते हैं। और अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में 14 लोकसभा सीट हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो है
पूरी तैयारियों को जो है पूरा करने की कोशिश की जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं रखी जाएगी वो बैठक में। और जिस तरह से आपने बताया गांडे विधानसभा को लेकर, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से तैयारियां कर रहा होगा कि जो विधानसभा की सीट है उसमें चुनाव होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, और अगर चुनाव हो तो किस तरह से हो, क्या कुछ तैयारियां हो। तो ये तमाम मुद्दे हैं और तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है नवीन। बिल्कुल चर्चा का विषय है। और गांडे विधानसभा को लेकर मुलाकात भी, जेएमएम जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी है झारखंड सरकार में, उसकी ओर से मुलाकात भी की गई है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में चुनावी जो सरगर्मी है वो झारखंड में देखने को मिल सकती है। बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम